सो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, मिलेगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए। आज मैं बात करूंगा KTM 390 एडवेंचर के बारे में, जिसका सबसे ज्यादा वेट किया जा रहा था वो बाइक फाइनली अनवील कर दिया गया है एक्मा ऑटो शो में। इस गाड़ी में कुछ अच्छी अच्छी चीजें मेरे को लगी, लेकिन कुछ चीजें जो एकदम ही मेरे को अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आखिरी तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल लेटेस्ट रूपम ब्लॉग्स। और नीचे सब्सक्राइब का बटन और रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसको जहां बेल आइकन, उसको भी क्लिक करना ना भूले और ऑल पे जरूर कर देना, नहीं तो कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस बाइक से रिलेटेड, बाइक का डिजाइन मेरे को काफी अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है। वैसे भी एडवेंचर कैटेगरी में बहुत कम बाइक्स थी इंडियन मार्केट में। KTM की गाड़ियों को लोग एडवेंचर गाड़ी बना के एडवेंचर टूर करते थे। KTM ने फाइनली इस बाइक को डेवलप्ड किया फॉर इंडियन और जो बाहर के लोगों सबके लिए डेवलप्ड किया, जिससे वो इजीली हाईवे क्रूजिंग और ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कुछ खामियां की बात करूं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस गाड़ी में, अभी तो स्पोक अलॉय व्हील्स का बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, शायद आ सकता है लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। मेंशन बड़ी है, अच्छा बात है, जरूरी है। इसके जो टायर आपको देखने को मिल रहा है वो आपको बटन टायर आपको देखने को मिल रहे हैं, और जो इसका हेडलाइट है वो पूरा का पूरा कैरी किया गया ड्यूक 390 से। और वैसे भी इसका जो सब कुछ है ना 390 से ही लिया गया, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि इसका फ्यूल टैंक, या फ्यूल टैंक का थोड़ा डिजाइन आपको अपडेटेड देखने को मिलेगा। जो फ्रंट वाइजर है वो कंपनी फिटेड मिलेगा, और वाइजर काफी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा हाई रेज है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर रियर एंड की बात करूं तो इसमें हाँ, न्यूली डिजाइन आपको टेल लाइट आपको देखने को मिलेगा, LED टेल लाइट मिलेगा। और इसका जो हेडलाइट है पूरा का पूरा कैरी किया गया 390 से, वही आपको LED सेटअप मिलेगा। फर्स्ट ऐसी एडवेंचर बाइक है 300-400 सीसी के अंदर, जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, और ये TFT स्क्रीन है जो कि आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आपको ड्यूक 390 में देखने को मिलता है। हमें वही बात करूं इंजन स्पेसिफिकेशन, तो कंपनी ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, वही जो ड्यूक 390 में दिया गया वही इंजन इसमें डाल दिया है। तो आपको वही 373.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC इंजन मिलेगा, जो कि पावर पुट निकालता 44 BHP का पावर पुट एट द रेट 9000 RPM, और जो टॉर्क आपको देखने को मिलता है 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 7000 RPM मिलेगा। 6-speed gearbox और slipper clutch आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ये तो बात हो कि इंजन स्पेसिफिकेशन, लेकिन आप एज अ टूरर बाइक की सबसे सोचते हैं तो इस गाड़ी का जो गियर रेशियो है ना वो शॉर्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ड्यूक जैसा ही मिलेगा। तो इसमें आपको ऑफ रोडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आपके शॉर्ट गियर जितने अच्छे होंगे उतना बढ़िया होगा, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ये एक स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप सिर्फ हाईवे राइडिंग कर रहे हैं देन इट इज गुड, अगर आप थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जाते हैं देन आपको प्रॉब्लम होगी। कावासाकी वर्सेस 300, उसमें भी इंजन उन्होंने निंजा का इंजन लगाया था, तो वही इशू हुआ। और वो टॉप एंड में मिलता है तो यू नो ऑफ रोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, अगर जिसको ये चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है तो वो इजीली ये गाड़ी ले सकता है। अब बात करें इस गाड़ी के व्हील साइज की, फ्रंट में आपको मिलता है 19 इंच के अलॉय व्हील्स, और पीछे आपको देखने को मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील्स। और इसमें जो टायर्स आपको देखने को मिलता है वो बटन टायर्स मिलते हैं, मतलब ऑफ रोडिंग वाले टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें मिलता है आपको डुअल चैनल ABS एज अ स्टैंडर्ड। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एक सजेशन है KTM को, आप इंडियन मार्केट में अगर ये ला रहे हैं तो इंडियन मार्केट के हिसाब से सोचिए, इसमें अगर स्पोक व्हील होता तो काफ़ी अच्छा होता और काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता, लोग हिमालयन छोड़ के ये गाड़ी ज़रूर लेते। मैं बात करूँ इसके सस्पेंस सेटअप की, तो इसमें आपको मिलता है 43mm का फ्रंट में अपसाइड डाउन फॉग। अपसाइड डाउन फॉग वैसे भी अच्छा होता है, और WP सस्पेंशन है तो कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। पीछे भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है विद WP सस्पेंशन, और इसका जो ट्रैवल है वो भी बढ़ाया गया दोनों फ्रंट एंड रियर में। क्या होता है जो साइज है सस्पेंशन का वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो डैम्पिंग होती है वो इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है सस्पेंशन, और इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं और रियर सस्पेंशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है इस गाड़ी में। बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, ट्रैवल्स तो बढ़ा दिया गया सस्पेंशन की, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका हो जाता है 200 mm, विच इज क्वाइट गुड। लेकिन ये ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ने के कारण आपका जो सीट हाइट है वो हो गया 855 mm, विच इज अनएक्सपेक्टेबल। इतना ज्यादा सीट हाइट है कि इवन एक एवरेज 5.6 वाला भी बंदा टिपटो नहीं कर पाएगा, मतलब इतना ज्यादा सीट हाइट है। एकदम ही डिसअपॉइंटमेंट हूं मैं KTM से, उनको थोड़ा तो मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सब कुछ होगा, और इंडिया में इनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता है, सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं KTM की बाइक्स,
तो भी मतलब आपको पता है यहाँ पे जो एवरेज जो हाइट होती है 5.6 से 5.8 और 9 तक होती है एवरेज एवरेज जो होती है। तो उस हिसाब से सोचो तो ये गाड़ी का जो सीट हाइट है वो शायद काफ़ी लोग अब नहीं ले पाएंगे। अगर आफ्टर मार्केट अगर सीट भी लगाते हैं तो उसमें हार्डली 10 mm कम होता है, तो भी 845 mm बहुत ज़्यादा सीट हाइट होता है। 820 इज़ गुड, 825 इज़ थोड़ा ज़्यादा, 830 से 55 तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इवन मेरी हाइट है 5.7 कुछ, मेरे को भी प्रॉब्लम होगी उस गाड़ी को चलाने में। अगर जिस गाड़ी में आपको प्रॉब्लम होती है वो गाड़ी अब शायद नहीं ले, क्योंकि टिप टो वाला ज़रूरी है। इवन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलती है एडवेंचर में, लेकिन उनकी सीट हाइट है वो कंपनी ऐसा रिड्यूस करते हैं कि हाँ अगर शॉर्ट राइडर भी चला रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भले गाड़ी वेटेड रहे लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन KTM की गाड़ियाँ सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे शायद KTM अपने सेल्स थोड़ा गिरा सकता है वो है इसका सीट हाइट। सीट हाइट एक बहुत ज़्यादा डेबिटेबल पार्ट हो गया है, क्योंकि 855 mm इट्स क्वाइट हाइटेड एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो जो हाइट इंडियन पर्सन्स की होती है एवरेज। अब बात करें इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है विच इज़ क्वाइट गुड। ड्यूक से अगर देखें तो 1 लीटर आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ आपको इतना एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए। अभी रॉयल एनफील्ड हिमालयन में भी आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है विच इज़ क्वाइट गुड, इतना चलता है मतलब मैनेजेबल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ड्यूक से ऑलमोस्ट 50 से 60,000 महंगा आपको देखने को मिलेगा, तो ये सस्ती बात तो बिल्कुल भी नहीं है, महंगी बात है। मतलब 3 लाख के ऊपर तक ये बाइक चली जाएगी। जो कंपटीशन होगा वो होगा BMW 310 GS होगा वर्सेस 300 है, जो ऑफरोडिंग बाइक है। और सबसे ज्यादा जिसके साथ होगा कंपटीशन वो होगी हिमालयन होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिकती है इंडियन मार्केट में, और आज भी वो नंबर वन ऑफरोडिंग और बोले तो टूरिंग बाइक है इंडियन मार्केट में, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा कर सकते हैं। रॉ बाइक है, पावर अच्छा है, टॉर्क जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो अच्छा है, प्लस उसमें शॉर्ट गियरिंग है जैसे KTM में लॉन्ग गियरिंग है, क्योंकि ये स्पीड के लिए बनी हुई है और वो काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका क्या चॉइस है, लेकिन हाँ जहाँ डिसअपॉइंटमेंट लगा वो है लगा है एक है इसका स्पोक अलॉय व्हील होता, दूसरा इसका सीट का कुछ अगर करते ये लोग तो काफ़ी अच्छा होता, वो चीज़ नहीं की। और तीसरा एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो इसका गियरिंग है उसको शॉर्ट करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने एग्जैक्ट सेम का सेम इंजन सेटअप आपको पुटअप करके दे दिया है। फ्रेंड्स आप लोग की क्या राय है इस बाइक से रिलेटेड, मुझे तो सीट का ही सबसे ज़्यादा मेरे को लगा कि शायद अगर मैं एक ही कारण है, अगर सब कुछ अगर नेग्लिजेबल कर दूँ सब कुछ साइड कर दूँ चलो सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन एक जगह जहाँ मैं शायद नहीं मैनेज कर सकता वो है सीट हाइट। हाँ इस कारण से शायद मैं नहीं लेता। आप लोगों का क्या रहा है आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताएंगे। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यूज़ आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को इस बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज़ ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल दिखना है इसको फॉलो करिए विद इन 24 आवर्स विद इन 48 आवर्स। अगर आपने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टीवी। टिल देन बाय एंड चाओ।